हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि समर्स के फ्लावर्स लगाने के लिए, बीज से उगाने के लिए फरवरी का मंथ सबसे अच्छा है। इस टाइम आप लगाएंगे तो आपके मार्च तक पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे और उसके बाद उनकी फ्लावरिंग आ जाएगी। और समर्स में वेराइटी बहुत सारी है और कुछ इसमें बीजों से भी लग जाते हैं, कुछ कटिंग से भी लग जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इस टाइम आपको कौन कौन से बीज लगा लेने चाहिए। आप इन सब बीजों को लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे, आप बीज कहाँ से ख़रीदें? तो फ्रेंड्स, आजकल ज़्यादातर अच्छी नर्सरी वाले भी अपने यहाँ बीज के पैकेट रखते हैं और ऑनलाइन तो आपके पास मिल ही जाते हैं, है ना। और अगर आपके दो चार गमले ही बनाने हैं, दो चार पौधे ही लगाने हैं हर एक फ्लावर के, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नर्सरी से उसकी पौध ले लें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ेगी, है ना। वो एक एक दो दो रुपए में, समझिए 3-4 इंच की छोटी छोटी पौध मिल जाती है और वो बहुत अच्छी रहती है लगाने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी जो लोग ज़्यादा लगाना चाहते हैं, या कई लोग पूल करके भी लगा लेते हैं, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड्स पूल करके लगाते हैं कि 3-4 तरह के मैंने बीज लगा दिए, 3-4 तरह के उसने फिर हमने आपस में एक दूसरे को दे दिए, ठीक है ना। तो समर्स में लगाने वाला सबसे जो बढ़िया प्लांट है वो है जीनिया। जीनिया जैसे डेलिया होते हैं ना, गर्मी विंटर्स में हम जो लगाते हैं डेलिया, डेलिया के फूल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, खूब अच्छे मल्टी कलर्स आते हैं। जीनिया उसी तरह के घनी पेटल्स वाला फूल होता है, आप जैसे इसमें फोटो में देख रहे हैं, और इसमें खूब फूल आते हैं और इसकी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी लगभग नहीं के बराबर मेंटेनेंस है, और बहुत सारी वैरायटी होती है कलर्स पे। और जीनिया में दो तरह की वैरायटी होती है प्लांट्स की, एक में तो बड़े फूल आते हैं और काफ़ी टॉल वैरायटी होती है, समझिए 1-1.5 मीटर तक ऊँचे पेड़ जाते हैं, और दूसरी डॉर्फ वैरायटी होती है जिसकी 6-7 इंच तक की होती है हाइट, लेकिन फूल उसमें भी खूब आते हैं, है ना। तो आप ये एक वो ले सकते हैं। दूसरा जो आता है ये है गैलार्डिया। गैलार्डिया बहुत सारे फूल देने वाला प्लांट होता है। एक तो ये इसमें ये आप देख रहे हैं रेडिश सा होता है, एक होता है पीले से रंग का, और ये दो तरह का होता है। एक में तो आप ये देख रहे हैं बहुत घनी पत्तियां हैं, दूसरे में सिंगल पेटल का ही होता है, लेकिन आप घनी पत्तियों घनी पेटल वाला लेंगे, डबल पेटल वाला, तो बहुत चलता है और बहुत सारा, सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसी में होती है। समर्स में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इसी प्लांट में होती है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 3 पे आता है कॉस्मोस, और इसमें मिक्स कलर्स के आते हैं पैकेट ये, और इसको इसमें भी बहुत फूल आता है, खूब फूल आता है और नो मेंटेनेंस। इसको लेने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये रहता है कि आप एक बार इसको लगा लेते हैं तो इसके बीज ना इसके फूलों में ही होते हैं, और वो फूल सूख के गिरते रहते हैं, या हवा में इधर उधर बीज गिरते रहते हैं, तो हर बार खूब फूल इधर से उधर गिरते रहते हैं, और जब सीज़न आता है तो वो वापस उगते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये लगता है कि मैं हर बार मुझे बीज लगाने का ना झंझट नहीं लगाना पड़ता, वो कहीं ना कहीं उगाते हैं और मैं निकाल के लगा लेती हूँ। इसके नेक्स्ट आता है फ्लॉक्स। इसके फूल मल्टी कलर होते हैं, पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज, इस तरीके होते हैं, और ये भी बहुत बंचेज में फूल आते हैं इसके, और छोटी हाइट का प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट में या गमले में लगाने के लिए तो बेस्ट होता है ये, है ना। तो आप इसको लेके लगा सकते हैं और काफ़ी लंबे फूल इसके चलते हैं, बहुत लंबे, खूब अच्छे, नो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके नेक्स्ट है ये मॉर्निंग ग्लोरी, और इसकी बेल आती है ये मल्टी कलर की, ज़्यादातर इसमें नीले और पिंक कलर की बेल होती है, लेकिन और भी कलर की होती हैं, और ज़्यादातर फूल ब्लू और ये इसमें खिलते हैं पिंक में, तो और बहुत आसानी से लग जाती हैं, और आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और पॉट में तो लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो बहुत आसानी से लगने वाला है और खूब फूल देता है, मतलब खूब भर के फूल आता है। अगर आप मुंडेर वगैरह पे लगाते हैं, हेज पे लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया लगती है इसकी बेल चलती हुई। इसके नेक्स्ट आता है पिचूनिया, और जैसे हमारा विंटर्स का है ये वाला पिचूनिया, ऐसे समर्स के पिचूनिया भी होते हैं, और जिनमें इसी तरह का फूल होता है कि ट्रम्पेट टाइप का, लेकिन थोड़ा छोटा होता है, वाइट में लाइट ब्लू और लाइट पिंक, 3 कलर उसमें मैंने ज़्यादातर देखे हैं, और ये भी खूब भर के आता है, हर साल इसके ना उग जाते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये समर पिचूनिया का बेबी प्लांट है और ये हमेशा रहते हैं मेरे पास। क्या होता है, ये भी उग के और खूब इधर उधर बीज गिरते रहते हैं, जब सीज़न आता है ना तो अपने आप उग जाते हैं। इस गमले में मैंने मिट्टी बनाई होगी, छोटी मोटा कहीं लगा होगा, तो आप देखिए 3 उग गए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसी तरह से ना बहुत सारे प्लांट्स थे,
तो मैंने इधर उधर लगाए हैं। ये देखिए, ये इसकी पौधना कल ही लगाई है मैंने, खूब इधर उधर उग जाते हैं और बढ़िया खूब फूल देते हैं। मेंटेन का वही तरीका है कि आप जो सूखते जा रहे हैं फूल, उनको निकालते जाइए हाथ के हाथ। नेक्स्ट है गर्मियों का सबसे रिलायबल, बहुत सारे फूल देने वाला सनफ्लावर। इसमें दो तीन वेराइटी आती हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटी वाली है, और जो इसमें बड़ी होती है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल खिलते हैं, उसमें फूल कम ही आते हैं, एक ही पेड़ में तीन चार आएंगे। लेकिन ये जो होता है, इसमें बहुत फूल आते हैं, इसी साइज़ के खूब ढेर फूल आते हैं, है ना। और एक बार लगा लेते हैं तो ये जो सूख जाते हैं ना, ये जो सूख गए ना, ये इसके बीज होते हैं। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ उड़ के गिरेंगे वहीं फूल पे उग जाते हैं पेड़ नए। इसमें आता है मैरीगोल्ड गेंदा, और ये खूब आसानी से लग जाता है, लेकिन गर्मियों में लगाने वाला गेंदा अलग होता है, जिसको आपको वेराइटी मांग के लेना पड़ेगी कि गर्मियों में लगाने वाला गेंदे का फूल मतलब बीज चाहिए उसके, वहाँ से मिलेंगे। तो ये खूब अच्छा चलता है, और गेंदे को आप सभी जानते हैं कितना अच्छा और कितना बढ़िया उसमें फूल आता है। गर्मियों में ही लगने वाला एक और होता है, ये यूफोर्बिया मिली, और ये इसमें दो वेराइटी होती हैं। ये तो आपको बड़े वाला दिख रहा है जिसमें बड़ा फ्लावर है, एक और होता है जो बहुत छोटा फ्लावर होता है, और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह के पास है तो आप इसे वहाँ से लेके लगा सकते हैं, और इसमें भी बहुत फूल आता है। नेक्स्ट में आती है सदाबहार, आपको नाम से ही पता होगा, और ये आप सबने बचपन से देखी होगी अपने घरों में। ये देसी वाली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दो कलर्स में होती है, एक तो ये और दूसरा वाइट। इसमें हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आती हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, और ये गर्मियों में बहुत भर के फूल देते हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पॉर्चुला का देसी वाली आती है, दो तीन तरह की, एक तो डार्क पिंक, एक वाइट और एक वाइट एंड पिंक मिक्स्ड, है ना। इसके अलावा इनमें हाइब्रिड वेराइटी भी आती है जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, सिंगल पेटल भी, डबल पेटल भी, तो आप ये भी लगा सकते हैं, और बिना किसी देख रेख के ये बहुत फूल देती हैं। स्पेशली जो देसी वाली पिंक होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही फूल देती है, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसे भी लगा सकते हैं। इस टाइम फ्रेंड्स अपराजिता के बीच आप लगा सकते हैं, ये इस तरह की फलियाँ होंगी। ये मेरे पास दो कलर में है, एक वाइट और एक ब्लू वाला, तो अभी मैंने बीच से भी लगाई है, उसके रिजल्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये भी बीच से बहुत आसानी से हो जाती है, अगर कहीं आपके आसपास किसी के घर लग रही हो तो आप इसको लाके और बीज डाल दीजिए, आराम से लग जाएगी। इसी तरह से आप जो मैंने अभी आपको दिखाई कि वो पॉर्चुला का, वो भी आप कटिंग लाके किसी फ्रेंड से, अगर देसी वाली जो है इतनी इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाती हैं, और बहुत छोटे छोटे डब्बे में, कप में, किसी में भी लगा लीजिए, खूब फूल देती हैं भर के। इस टाइम फ्रेंड्स सेलोसिया में भी बहुत फूल आता है, आप इसके भी ये देखिए, जो इसकी ये जो है ना, इनमें से ये झड़ते रहते हैं बीज, और इनमें ही बीज होते हैं इनके, ब्लैक कलर के मैं दिखाती हूँ, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ना आपको, यही इसके सीड्स हैं, और खूब फूल आता है। देखिए आप, ये मेरे पास ये हमेशा रहते क्या हैं, ज़बरदस्ती के हैं। जब भी एक दो प्लांट तो मैं अच्छे से लगाती हूँ, बाकी तो ये हर जगह उगते रहते हैं, खूब सब जगह। ये सेलोसिया देखिए, छोटी वाली वेराइटी है, ये छोटी वाली वेराइटी के हैं जो ये लगे हुए हैं। ये भी इनके सीड्स गिर गिर के अपने आप ही उग गए, ये जो यहाँ उग रहे हैं ना, ये एरो हेड वाली है, और वो कॉक्स हेड वाली है, जिसमें कॉक्स कॉम वाली ना, उसकी कलगी, मुर्गे की कलगी जैसा होता है, ये एरो हेड टाइप के हैं सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना। नेक्स्ट है इसमें ये पर्सलिन की हालत अभी ऐसी हो रही है, ये है इसकी पत्ती है ना, ये तो इसमें वो लगी हुई है, टर्टल नेक वाइन वो है ना। तो ये होगी इस टाइम इसकी कंडीशन, तो इसकी भी आप इतने छोटे छोटे पीस दो दो इंच के लेके और लगा दीजिए मिट्टी में कटिंग्स, है ना। तो ये अभी समझिए 15-20 डेज में उसमें छोटे छोटे पत्तियां आ जाएंगी, और एक महीने में वो आप फिर उसे कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं इजीली अवेलेबल जो सीड्स और प्लांट्स जो बहुत आसानी से लग भी जाते हैं और आपको मिल भी जाएंगे, उनको आप अभी लगा लीजिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम उसको मीडियम कौन सा लें। तो फ्रेंड्स अब हल्की सी ना गर्माहट शुरू हो गई है मौसम में, तो चाहिए आपको कि आप इसके लिए कोकोपीट लें। कोकोपीट में प्लेन कोकोपीट भी ले सकते हैं, कोकोपीट में सैंड मिला के भी ले सकते हैं, कोकोपीट में सॉइल जो गार्डन सॉइल है वो मिला के भी ले सकते हैं, उसका मीडियम बना के और एक गमले में आप
बीज बीज लगा दीजिए, बस हल्की सी मॉइस्ट रखें और जगह पे उसको रखेंगे आप सेमी शेड में, जब तक कि उसमें छोटे छोटे उसमें स्प्राउट नहीं हो जाते, छोटे स्प्राउट हो जाएं फिर आप उसे धूप में भी रख सकते हैं। और फिर आपकी कटिंग्स जब 4 इंच की, 3, 3.5, 4 इंच की हो जाएं तो आप उनको निकाल के किसी बड़े पॉट में डाल लीजिए, जो भी आपको डालना है, हैंगिंग पॉट में या वैसे साधारण पॉट में या ट्राई में लगाना है। आई होप मेरी वीडियो से आपको भी मदद मिलेगी प्लांट्स को लगाने में और उनको पहचानने में। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।